तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हर हाल में जो है बीजेपी वालों पे जुल्म कर रही है, आवाम पे जुल्म कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बिल्स के खिलाफ हम लोग धरना पूरे स्टेट बीजेपी में करने जा रहे थे और आज सुबह से जो है पूरे स्टेट लीडर्स को जो है हाउस अरेस्ट करे। अब मैं बाहर निकला प्रोग्राम में जाने के लिए तो मुझे भी अरेस्ट कर लिया। पार्टी तेलंगाना स्टेट की जानिब से आज पूरे स्टेट में तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ जो लॉकडाउन में 3 महीने का एक साथ जो बिल आवाम के ऊपर बोझ डाले हैं तेलंगाना सरकार, उसके खिलाफ मंटी संजय साहब ने इसको कॉल किया था पूरे स्टेट वाइड। उसी के तहत जहां से केसीआर को और तेलंगाना सरकार को हमारी धरने की बात चली, हमारे जितने स्टेट लीडर्स थे पूरों को सुबह में 6 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया और उसके बाद हाउस अरेस्ट करने के बाद अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशनों में लाके यहाँ पे हम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट सरकार से बीजेपी का मुतालिबा है कि जो भी 3 महीने के लॉकडाउन में बिल दिए हैं और टोटल बिल वेव ऑफ करना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर वर्क्स और GHMC का जो भी सेस टैक्स वगैरह होता है वो पूरे जो है इसको माफ़ करना चाहिए। चूँकि चंद्रशेखर राव साहब जो है खुद बोले थे कि स्कूल के फीस मत भरिए और ख़ुद बोले थे कि किरायादार जो है मकानदार को अपना किराया मत दीजिए। जब अपनी बारी आई तो 3 महीने का बगैर सोचे समझे तेलंगाना आवाम के ऊपर जिस तरीके से बोझ डाले हैं, अब समझ में नहीं आया उनको तेलंगाना की आवाम क्या है बोल के।
जहाँ पर एक महीने का स्लैब 200 यूनिट अगर जलता है किसी घर में तो उसको 650-700 भी लाता था, वैसे उसी के हिसाब से 3 महीने का जो एक ही साथ जो बिल डाले हैं जहाँ 600-700 आने का, वहाँ पे 9,000-10,000 रुपये बिल आया है, तो आवाम कहाँ से पे करेगी? जिसके पास आप गवर्नमेंट सर्वेंट को तनख्वाह आधी कर दिए, पेंशनर को आधा पेंशन कर दिए, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, वो लोग कहाँ से पे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आवाम की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ पे ये कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट, हमारे आवाज़ को दबाना चाह रही KCR सरकार। हम KCR की सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में जितने भी मार्च अप्रैल में 3 महीने का बिल टोटल वेव ऑफ करना, पानी के पैसे वेव ऑफ करना, और इसके अंदर मिडिल क्लास, पूर क्लास नहीं, टोटल तेलंगाना स्टेट की आवाम को ये बेनिफिट होना चाहिए। ये BJP का डिमांड है। अगर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो आप वक्तन फोक्तन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास से मदद लेते आए हैं, इसके अंदर भी कुछ आपको चाहिए तो मोदी सरकार तैयार है तेलंगाना स्टेट की आवाम की भलाई के लिए मदद करने के लिए। उनका नारा है भारतीय जनता पार्टी का, BJP का, मोदी सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। विश्वास जीतने के लिए तेलंगाना सरकार, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद पूछिए। BJP सरकार, मोदी सरकार आपकी हर वक्त हर स्टेप पे आपकी मदद करती आई है, चाहे वो आपका सिविल सप्लाइज का इशू हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का इशू हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे कोई इशू हो, हर इशू पे आपको खांदे से खांदा लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करी है। ये मामले में भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट मदद करने तैयार है, और तेलंगाना आवाम के ऊपर से आप ये 3 महीने का बिल पूरा जो है वेव ऑफ करना चाहिए। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की खुसूसी पेशकश, अल ज़हीर कॉलोनी, कोहिर विलेज में वाक़े, आबादी से घिरा वेंचर, रिहायशी इलाके में सिर्फ 3,20,000 रुपए में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, क्लियर टाइटल, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज। बुकिंग ओपन है, कॉल करें या चले आए। अपोजिट OS प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरम गड्डा, हैदराबाद।